कि भगवान से भी मिलना है तो डायरेक्ट भगवान के पास चले भी जाओगे तो क्या होगा। नामदेव जी ने 27 बार भगवान से मिल लिया अकेले बिना गुरु के। कितनी बार? 27 बार मिल लिए नामदेव जी विट्ठलनाथ जी से, साक्षात भगवान से 27 बार मिल गए, बातचीत कर लिए, साक्षात दर्शन किए। एक दिन संतों की सभा हुई तो नामदेव जी को संतों की सभा में कच्चा साबित कर दिया गया, सिद्ध कर, ये कच्चा साधु है। नामदेव जी को लगा मैंने 27 बार भगवान का दर्शन किया, बात की, और मुझे आप कच्चा कह रहे हैं। रोते रोते विट्ठलनाथ जी के पास गए, हे प्रभु मेरा अपमान किया समाज ने, अब मैं जीना नहीं चाहता। क्या हुआ? 28वीं बार भगवान फिर प्रकट हुए, इतना प्यार करते थे। विट्ठलनाथ जी श्री नामदेव जी को अपना पुत्र मानते थे, इतना प्यार था भगवान का कि जब भी वो रोते ना तो भगवान आ जाते। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? 28वीं बार आए, क्या हुआ? बोले भरी सभा में ओ ज्ञान संत ज्ञानेश्वर की बहन ने कह दिया कि कच्चा है। तब विट्ठलनाथ जी ने कहा नामदेव बुरा ना मानना पर तुम कच्चे हो अभी। हे प्रभु आपका दर्शन करके भी आपसे मिलकर भी क्या कोई कच्चा रह सकता है? हाँ तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए बेटा, मृत्यु लोक में आए हो ना तो यहां की परंपराओं को फॉलो करना पड़ता है। राम जी भी गुरु जी बनाते हैं वशिष्ठ जी को, कृष्ण जी भी गुरु बनाते हैं पढ़ने जाते हैं, परंपराओं को फॉलो, गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया, पढ़ने गए उज्जैन, सांदीपनि जी के यहां पढ़े। तो भगवान परंपराओं को फॉलो करते हैं पर तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तो आप ही बताओ मैं किसे गुरु बनाऊं। अच्छा नामदेव जी में क्या कमी थी कि उन्हें जब भी भगवान का दर्शन करना हो ना तो मंदिर ही जाते थे विट्ठलनाथ जी से मिलने, और यही कच्चापन था। गए गुरु जी, भगवान बोले कि जाओ फलाने जंगल में एक संत खेचर नाम के संत हैं उनको तुम गुरु बनाना। अब नामदेव जी ने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं जा रहा हूं। अब वो जंगल गए, नामदेव जी जंगल गए तो वहां एक शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ा, हाँ शायद इसमें मेरे गुरु जी होंगे। अब वहां गए तो उनके जो गुरु जी थे खेचर, जिन्हें विट्ठलनाथ जी ने कहा कि वो आपके गुरु बनने के योग्य हैं, जाओ उनसे मंत्र दीक्षा लेना। अब वहां मंदिर में गए तो वहां शिवलिंग के ऊपर वो जो संत थे खेचर नाम के, वो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। नामदेव जी को लगा हे भगवान ये कैसा पागल बाबा है, ये मेरे गुरु बनने के लायक नहीं है, ये तो शंकर जी पर पांव रख के सो रहा है, ये मेरा गुरु बनने के लायक नहीं है। तो नामदेव जी चुपचाप वापस जाने लगे तो खेचर संत बोले अच्छा नामदेव आओ। अब नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया। आओ, नामदेव जी चले गए। कैसे आना हुआ? नामदेव जी ने कहा महाराज कोई खेचर नाम के यहां संत रहते हैं क्या? हाँ, इस दास को ही, इस शरीर को ही खेचर कहते हैं। महाराज हमें गुरु बनाना है पर हम आपको नहीं बना सकते, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हैं। तो खेचर ऋषि ने कहा नामदेव मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मेरे हाथ पांव अब चलते नहीं हैं, एक काम करो बेटा तुम मेरे पांव पकड़ के वहां रख दो जहां शंकर जी नहीं हो, जहां शंकर जी ना हो, समझ रहे हैं, जहां जिस तरफ शंकर जी ना हो उस तरफ आप मेरे पांव को घुमा दो बेटा, मैं तो जल्दी अपना शरीर हिला डोला नहीं पाता, अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई है ना। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े
और पांव पकड़ के थोड़ा सा घुमाया, और जहां घुमा के पांव रखा तो वहीं एक शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर शिवलिंग पे पांव फिर घुमाया नामदेव जी ने, तो वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया, तीसरे शिवलिंग, 12 जगह 12 बार घुमाया तो द्वादश ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए, द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। नामदेव जी समझ गए कि ये साधु कोई सामान्य नहीं, चरणों में गिर पड़े, हे महात्मा मेरा मार्गदर्शन करो, हे प्रभु हे गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे परिपक्व करो। भगवान ने कहा कि मैं कच्चा हूं कैसे पकूंगा। तब खेचर महाराज उठकर बैठे, मंत्र की दीक्षा दी और कहा, बेटा जिस विट्ठलनाथ जी को तुम केवल मंदिर में जाकर पुकारते हो, तुम्हें ये लगता है कि विट्ठलनाथ जी केवल मंदिर में है, तुम्हें ये लगा कि मैंने शिव पर पांव रखा है, तो एक बात बताओ, तुमने जहां पांव रखा है क्या वहां शिव नहीं है? आपने जहां पांव रखा है क्या वहां शिव नहीं है? इस संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो आपने जहां पांव रखा है वहां कौन है? जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो उसे आप उस प्रेम उस भाव से कहीं से भी पुकारो। एक जगह ही ईश्वर को देखना ये कच्चापन है, और सब जगह उसी परमात्मा को देखना यही पक जाना है। अब से नामदेव जी की बुद्धि बदल गई और नामदेव जी संत को गुरु मानकर अपनी कुटिया पर गए। एक दिन रोटी बना रहे थे नामदेव जी, भोग लगा रहे ठाकुर जी को, तो बढ़िया रोटी बनाई और चूल्हे पर रोटी बना करके और बगल में रख दी सारी रोटी, जो 4, 6, 10 रोटी बनाई होंगी। अब घी की कटोरी लेने वो कुटिया के अंदर गए, तब तक कुत्ता आया और कुत्ता सारी रोटी मुंह में दबा करके भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े, हे प्रभु हे विट्ठलनाथ जी कहाँ जा रहे हो रोटी लेकर? प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, प्रभु घी तो चुपड़ लो। कुत्ते के पीछे दौड़ गए घी की कटोरी लेकर कि सूखी ना खाओ, घी चुपड़ के खाओ, आपका दिया घी भी तो है, सूखी रोटी कैसे गले से उतरेगी? लोग कहते हैं, बाबा वो कुत्ता है, वो भगवान थोड़ी है। ना, तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमने तो विट्ठलनाथ जी के लिए रोटी रखी थी, तो भगवान इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। और जब भावना उनकी भगवान की थी तो कुत्ते से भगवान प्रकट होकर के विट्ठलनाथ जी को भगवान का दर्शन हुआ 29वीं बार। तब भगवान ने कहा, अब तुम पक गए हो, अब तुम, अब ये परिपक्वता है। बिहारी जी को केवल आप वृंदावन में आकर देखें, बिहारी जी के मंदिर में, ये कच्चापन है। और जब आपके घर में जो छोटे से गोपाल जी हैं, जब आपके छोटे से गोपाल जी में भी आपको बिहारी जी का दर्शन होने लग जाए तो यही तो पकना है। जब आपके गोपाल जी में राधा रमण जी का, जिन पर आपकी आस्था है, आपके जैसे मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहूं तो मैं अपने गौरी गोपाल भगवान में मैं अपने जगन्नाथ जी को जब देख लूं तो यही तो पक जाना है। मैं अपने गौरी गोपाल भगवान में ही बिहारी जी को देखूं, मैं गौरी गोपाल भगवान में ही अपने राधा रमण जी को देख लूं, मैं गौरी गोपाल भगवान में ही मैं तिरुपति बालाजी को देख लूं, रंगनाथ भगवान को देख लूं, बद्रीनाथ जी को देख लूं। अब मुझे बद्रीनाथ जी जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक बार जाकर के उनकी छवि बसा ली और अपने गौरी गोपाल भगवान में ही उनका दर्शन कर ले, तो अब एक में सबका दर्शन हो जाता है। तो आप लोग बिहारी जी में और आपके घर के गोपाल जी में रत्ती भर अंतर नहीं है, आप जो अंतर दृष्टि रखते हैं यही कच्चापन है। आप क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे घर के गोपाल जी हैं, अब बिहारी जी को आप अलग मानते हैं, राधा रमण जी को आप अलग मानते हैं, आप राम जी को अलग मानते हैं, कृष्ण जी को अलग मानते हैं, शंकर जी को अलग मानते हैं, यही तो कच्चापन है। अभी थोड़ा आप कच्चे हैं क्योंकि आपको भेद दृष्टि है,
ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। ये अलग अलग की दृष्टि ही भेद दृष्टि है। अब राम जी और कृष्ण जी में भी बहुत लोग अंतर समझते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें। अब कौन समझाए कि ये तुम्हारा कच्चेपन का दोष है। पक जाने के बाद तो राम कृष्ण दो एक हैं।